जाग जा जाग यार, धन खाए ठीक है, जब मैं कौन तब खाए, पल्ली शकन कर, मैं शकन कर वो ये अच्छा नो नंद है चटपटोल तो है जमताली पौध दिनों तक ठीक है अच्छा वो शाबाश बिल्कुल धन खाए। गुड मॉर्निंग गाइज, जैसे मान चुका हूँ वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइज देखो कीटो कितना समझदार है, पहाड़ी भाषा एकदम बढ़िया कर बच्चा यू कर शकन भोए अब खा देखा कि समझदार सी रॉड व्हीलर यू बात तो सही है शाबाश थोड़ा तो अमूल बटर लगा रहे हूँ मैंने यहाँ रॉड में फलू कर खाए पेन नहीं आ रहा दीर पेन ले पिए पछा तो चलो भाई चलते हैं सीधे स्टूडियो, आज का करते हैं सेशन कंप्लीट। गोकू देख नहीं लाए मेल, अरे यार देख नहीं पछा लाओ ना तो बस वो दगा आए शैतानी धन गए दिन ठीक है। आर्थर आज की बात बेला तेल लाल मेल लाल आज लाल को लाल छड़ी ले लाल छड़ी ले चाबी कहाँ है रह गे चाबी कहाँ है रह गे फाइल मेल चाबी लेट्स स्टार्ट आर्थर। हरियो हरियो सुरभि कॉलोनी है रे आशल आज मैं कितना हैंडपंप लग रहा हूँ हैंडपंप गाइस। तो मैं पहुंच चुका हूं स्टूडियो और बस अभी एडिटिंग करता हूं, पुरानी वाली एडिटिंग मेरी बिल्कुल हुई नहीं थी, काफ़ी लेट लतीफ हो जा रहा हूं मैं एडिटिंग के मामले में। एक्चुअली होता क्या ना मेरे साथ, मैं बहुत जल्दी सो जाता हूं, मतलब मैं 10 बजे एकदम मेरे को ऐसी नींद आ जाती ना भयंकर वाली, 10 या फिर 10:30 तक तो मैं सीधे बेहोश, इसलिए मेरे को टाइम नहीं मिल पाता उतना। बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पहले जैसी मेरी कंसिस्टेंसी बनी रहे और आप लोग भी इंटरटेन हो और अपना भी काम बन जाए, अपना भी डॉलर वॉलर सब जनरेट होते रहे बढ़िया करके। अगर ब्लॉग चल गया या कुछ चल गया तो अपना और प्रवीण का और मेरे साथ जितने भी हैं उन सब का भी चल जाएगा आई बिलीव। बट फिलहाल करते हैं एडिटिंग और उसके बाद जब क्लाइंट आते हैं फिर करते हैं उनका डाटू का काम, तब तक आप बने रहिएगा। आज अपना तबला भाई देखो कुछ खिला रहा है यार, कुछ नहीं खिला रहा हूँ, खिला रहा है खिला दे बेशरम, कब तक ही मेरे टुकड़ों पे पलेगा तू? क्या बोला तूने? साले टुकड़ों पे लगे कुछ KFC के टुकड़े तो खिला दे मेरे को। आज तो कबीला अपने कुछ ना कुछ खिलाएगा आज, आज मैंने इसको पकड़ रखा है नंगे हाथ। अरे कपड़ा पहना हुआ इसमें क्या खिला रही है बता? अरे 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 ओ वहाँ डाल दे वहाँ पे अरे तू तो सच्ची मान लिया क्या पप्पी दे रहा तू? आओ तुम्हारी फोटो खींचते सामने खड़े हो जाओ, तुम्हारी फोटो खींचते बहुत बढ़िया पोर्ट्रेट मोड में ठीक है, स्माइल करो और जोर से और जोर से और जोर से करो। ग्वाग खाचा ग्वाग धन का पता चले दांत जाग मग यु ग्वागा दान लगी क्या बोला तूने खाई दा खा ओ कौन है रखा चबो याचे दांत जाग में कहा गुआगा दांत ना अटकी जाए ये बढ़िया था गुरु यो दांत बनाऊं जे की में ना गुआग ये गुआग की में ना गुआग आई बढ़िया कौन मुन शरीर के यूं ना रे गोमी लो जे भाई हां
तेरे नाना गरीब है छोड़ा मैं बाय नानी जी जानो पे ये एक प्यारी सी एक फ़ोटोग्राफ है जिसमें मेरे पापा दादी जी बूबू जी तीनों हैं। अब इसको फ्रेम कराना है मैंने। तो वैसे ये वाली फ़ोटो है मेरी दादी बूबू जी एंड पापा जो मेरे साथ नहीं है, बट मैं इसको एक अच्छा सा फ्रेम करवा देता हूँ। ये पिक्चर भी कोइंसिडेंटली सब तीनों एक साथ ही थे, इसमें तीनों एक साथ ही नहीं है, तीनों साथ में ऐसे ऊपर ही हैं और इसको एक एज अ मेमोरी हमारे घर पे रहेगी फोटो। बड़ी से बड़ा सा फ्रेम करवा दो इसे अच्छे से। तो चलते हैं सीधे, तो फिर मेरे क्लाइंट नहीं आते अभी, थोड़ी देर मेरे क्लाइंट आने वाले हैं, फटाफट मैं जल्दी से स्टूडियो जाके इसको फ्रेम करवा लेता हूँ। लो जी अब क्लाइंट भी आ गए हैं, फ़ोटो फ्रेम मिलेगा मुझे अब तीन चार दिन के बाद। लो भाई फ़ोटो दे दिए, अब तीन चार दिन में बन के आ जाएगा, तब तक अपन करते हैं सेशन, बिकॉज क्लाइंट पहुंच गया है। फटाफट बनाते हैं उनकी बेटी का पोर्ट्रेट। तो सारे टैटू सेशंस मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, आई एम टोटली एग्जॉस्टेड। नहीं अब मैं उतना एग्जॉस्ट फील नहीं करता, जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरा रूटीन अब यू नो बहुत अलग सा हो गया है। अलग सा मीन मैं सुबह, मतलब जैसा कि मेरे लास्ट वाला भी बोला था कि सुबह उठना और जो मेरा रूटीन है, तो उसके वजह से एक और चीज़ है कि लाइक मैं बेड में नहीं सोता, मैं अब ज़मीन में सोता हूँ, तो उसके वजह से ना मेरे को ना पूरे बॉडी पॉस्चर मेरा एकदम सही रहता है और दिन भर मेरा काफ़ी लंबा सेशन, पता ही आपको टैटू में कितना झुकना पड़ता है तो कितना पेन होता है, फिर उसमें बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है, सभी लोग बहुत सफ़र करते हैं इसमें, तो उस चीज़ से मेरे को ना रिलीफ मिला है, सीरियसली कह रहा हूँ। मेरा जो मतलब सर्वाइकल और जो दिक्कत होती ना, जो ऑब्वियसली कि आ कहते हैं नेक में ज़्यादा पेन होता है, तो वो मेरा आज की डेट में ज़ीरो है। टच वुड, वेयर इज़ द वुड, यस टच वुड, तो उस चीज़ से मेरे काफ़ी रिलीफ मिला है। तो फिर मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा और कि आप भी मतलब ना ये ऐसे डनलप वगैरह में ना सोया करें, ट्राई टू स्लीप ऑन यू नो फ्लोर, क्योंकि उसमें आपका बॉडी पोस्चर सही रहता है और जो आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं बैक से रिलेटेड वो भी नहीं होगी। लिटरली कह रहा हूँ, जो चीज़ मैं अप्रैल से मैंने स्टार्ट किया था, वन वीक में ही मुझे काफ़ी फर्क आ गया था उसमें, तो रिसर्च में बहुत सही है, आप भी करिए। और अभी जस्ट टैटू मैंने जो कंप्लीट किया था उसमें पोर्ट्रेट टैटू था, एक्चुअली क्लाइंट फ्रॉम दुबई है, उनको काफ़ी टाइम से फॉलो करते मेरे पेज को इंस्टाग्राम के, आप भी जाइए वहाँ पर फॉलो करिए, तो वो काफ़ी टाइम से फॉलो करते हैं और मेरा वर्क उनको काफ़ी पसंद आता है और
काफ़ी अच्छी बात है। और तो फिर उन्हीं का पोर्ट्रेट मैंने बनाया था। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। यार मैं भी कितनी बातें करता हूँ ना, अभी सीधे घर में जाऊँगा और बना बनाया खाना मिलता है आजकल मम्मी के हाथ का। और तो मामी लोग के यहाँ भी मिलता था मुझे, बट यू नो मम्मी से काफ़ी टाइम 2015 से लगा लो मैंने घर, मतलब मैं घर से ही मैंने टाटा बाय बाय हो गया था, क्योंकि वही अपने काम वाम में यू नो क्या होता है, फिर जब अपने काम धंधे में लग जाते हैं तो तब से फिर अब से मैं डेली घर पे ही खाना खाऊंगा मस्त करके। तो मैं, मेरा भाई, मम्मी, तो हम तीनों ही हैं परिवार में। और बस हमेशा यही ध्यान रखूँगा कि मम्मी हमेशा स्वस्थ रहें और स्ट्रांग रहें, और जैसे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है मेरी मम्मी, बहुत से ज़्यादा, मुझे तो बहुत चीज, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ लिटरली उनके सामने। बस उन्होंने मतलब हर सिचुएशन को ना इतने अच्छे से मतलब हैंडल किया कि मतलब चेहरे में कभी शिकन तक आने नहीं दिया अपने खुद के, जस्ट बिकॉज मैं टेंशन ना लूँ, भाई टेंशन ना दे, पापा ठीक रहें। मतलब तो पापा का ध्यान, बूबू जी का ध्यान, सबका ध्यान रखना, मतलब हॉस्पिटल के इतने चक्कर लगाना, मतलब मैंने जितने अपनी लाइफ में मैंने हॉस्पिटल नहीं देखे होंगे रास्ते में ऐसे देखते हुए ना, उससे ज़्यादा मम्मी ने चक्कर लगा रखे हैं। एंड बहुत डिफ़िकल्ट होता है जब हॉस्पिटल के चक्कर आप लगाते हैं। तो हैट्स ऑफ टू माय मॉम हमेशा, और मैं हूँ हमेशा उनके आगे। तो देर किस बात की, झाड़ू लगाओ, निकलो भैया, बहुतों की बातें। झाड़ू लगाने का तरीका, झाड़ू लगाने में तो मैं एक्सपर्ट हो चुका हूँ, एकदम जमा जम लगा लेता हूँ मेरा। बात तो सही है। बहुत तेल पीती है, हर दूसरे दिन में तेल लाना पड़ जाता है। इतना तेल क्यों पीती हो रे? तापी, क्या बोला तूने? तापी, तुझसे मिलने से पहले मुझे तेरे पेट से मिलना पड़ता है, पेट तो अंदर था। पकड़ मेरे को, मेरे को जानता नहीं है। अंदर तल पोर्ट्रेट नोत रहा, पोर्ट्रेट पे मेरे भाई, चलते हैं कहीं घूमने जब तू बोले। मैं तो तबल को कब से कह रहा हूँ कि चल घूमने, चल घूमने, चल घूमने, चल, लेकिन ये तो कुंडली माल के एकदम कुल्ती में बैठ जाता है ये। अबे घूमने चलो, ऐसे बैठे बैठे तो तुम्हें पायस हो जाएगा। तापेल, क्या बोला तूने? अरे भेल में तो कम से कम फफूंदे निकल आएंगे ना, इतना भी मत बैठ। जनता माफ नहीं करेगी। मैं रोज नहाता हूँ। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अरे उठ जा रे, उठ जा रे, उठ जा रे। भेल तुम्हारे लिए, मुझे क्या थैंक यू नहीं बोलोगे? अबे तुमने मुंह डाल दिया। तो मैं भी खाता हूँ। अच्छा है ना? अरे इसमें तैमूर की चटनी है, शौका रिट्रीट की है ये, मस्त है। वाओ क्या डाइट है, वाओ क्या डाइट है, अरे बाप रे, क्या क्या है इसमें बताओ तो जरा। चिकन, धनिया है, चावल है, बस 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 हो गया। कितने ग्राम है? 100 ग्राम राइस, 100 ग्राम 200 ग्राम चिकन ब्रेस्ट, बॉडी से बन जाएगी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो वो मैं नहीं हूँ, मैं हूँ, ये है। आपको क्या लगा? सेम टू सेम, देखो देखो देखो। ज्यादा हंस रही है। वाओ क्या खाते हो, वाओ क्या हंसते हो, इतना क्यों हंसता है भाई तू? अच्छा तू मेरा व्लॉग देख रहा था? अभी इतना मत हंसा कर, आओ तुम्हें पोती कराएं, लेट्स गो, चलो ले चलो चलो लाल, घूमो 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 बाच। ओए अबे
ओए गोकू जा कपिल को बुलाओ, तपिल को, तपिल को, चलो जा जा आओ तपिल को बुलाओ, चलो आजा तपिल को, 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 तपि